अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 100 साल पुराना एक तारीखी रेलवे स्टेशन विजिट कराऊंगा जिसे ब्रिटिश राज में तामीर किया गया। उस ज़माने में यहां पे एक अंग्रेज़ कमिश्नर विल्सन ने एक गांव की बुनियाद रखी जिसका नाम विल्सनपुरा रखा गया। उसी की निस्बत से इस रेलवे स्टेशन को विल्सनपुरा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। क्यामे पाकिस्तान के बाद तक ये रेलवे स्टेशन आबाद रहा, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। अब ये मुकम्मल तौर पे वीरान हो चुका है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। कुछ मकामी लोगों के मुताबिक ये आसेब ज़दा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे जिन्नात के बसेरे हैं। और इसको बंद क्यों किया गया, इसकी वजह जानकर आपकी हैरत दांग रह जाएगी। अब भी इसका ट्रैक बेहतरीन हालत में है, इससे ट्रेनें गुजरती हैं मगर यहाँ पर रुकती नहीं। आए आपको इस रेलवे स्टेशन का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूम भी देते हैं। शाम तकरीबन 5 बजे का वक्त हो गया और यहाँ पे हू का आलम है और साइडों पे ये सारा जंगल है जी आप देखें, और सारे यहाँ पे सरकंडे उगे हैं और जगह जगह पे ये देसी कीकर इसके कांटे बिखरे पड़े हैं। और ये एक बरगद का दरख्त बहुत ही कदीम यहाँ पे मौजूद है और ये एक लोहे का गार्डर जिसकी खुशकिस्मती ये है कि इसको कोई उखाड़ नहीं सका, नहीं तो शायद इसको भी ना छोड़ते और ले जाते। और इसके अंदर चलते हैं, अंदर से मैं आपको विजिट कराता हूँ। सामने ये जो आपको छोटा नज़र आ रहा है ये कमरा सा, ये कैबिन है जहाँ पे रेलवे लाइन के ट्रैक तब्दील किए जाते थे। और ये सामने कलमा तैयबा लिखा हुआ है और अब इसकी लिखाई मिटती जा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये इसका मेन हाल है और नो डाउट जैसे ही यहाँ पे एंटर होते हैं तो एक अजीब सी खौफ की फीलिंग यहाँ पे आती है। और ये इसकी बैक साइड और यहाँ पे जानवरों की एक बिल आप देखें, और इस साइड पे भी सारा जंगल है ये आप देखें, और ये सारे देखें कांटे ही कांटे। अच्छा, ब्रिटिश दौर में अमूमन जो है ना वो डॉट स्टाइल की छत होती थी, लेकिन इसके बारे में मुझे बताया गया कि इसको 1970 में इसको रेनोवेट किया गया था और शायद इसकी छत जो है वो तब्दील की गई हो और यहाँ पे आपको एक तख्ता स्याह की तरह का यहाँ पे बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे ट्रेनों की आमद और रवानगी का अंदराज होता था और इसके साथ भी एक हाल है और बहुत ही खस्ता हाल और खंडर बन चुका है ये स्टेशन। इसकी छत देखें, सारे लोहे के सरिये इसमें से नज़र आ रहे हैं। ये इसके साथ एक और बड़ा कमरा है हाल के साथ जो ये वेटिंग हॉल है, और यहाँ से विंडो से टिकट्स वो सेल की जाती थी क्योंकि बाहर इसके शेड्यूल भी लगा हुआ है ट्रेनों की आमदोरफ्त का, और यकीनी तौर पे किराया के नर्ख भी दर्ज होंगे यहाँ पर। और ये वेंटिलेशन के लिए बैक साइड पे विंडो रखी गई थी। और ये स्टेशन मास्टर का रूम मुझे लग रहा है क्योंकि जो सहूलियात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो सिर्फ अफसरों को दी जाती थी कल भी और आज भी। ये देखें ये अंगीठी है एक, इसमें सर्दियों में आग जला के रूम को गर्म रखा जाता था। और बिल्कुल वही ब्रिटिश दौर का स्ट्रक्चर और उसी तरह की तामीरात, लेकिन छत जो है वो मुझे चेंज हुई लग रही है। एक और हाल है इसके साथ ही, उसकी तरफ चलते हैं, वो भी आपको विजिट कराते हैं और फिर कैबिन की तरफ चलते हैं क्योंकि शाम होने से पहले मैंने भी यहाँ से निकलना है। और इसके बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। अच्छा, ये जो रूम आप देख रहे हैं ये एक कॉर्नर पे है और इसके ऊपर ये स्टोर लिखा हुआ है जो कि अब मिट चुका है, उर्दू में लिखा है। और वक्तन फ़क्तन चूँकि रेनोवेशन होती थी
तो मे भी ये बाद में लिखा गया हो, बल्कि यकीनी तौर पे बाद में लिखा गया होगा। इसकी छत देखिए आप जगह जगह से उखड़ चुकी है वेंटिलेशन के लिए विंडो, और इसकी हाइट काफ़ी है, कम अज़ कम राउंड अबाउट 20 फुट इस छत की हाइट होगी, काफ़ी हाइट है। और ये समझ नहीं आ रही है किस चीज़ का रूम है, ये आप देखें, शायद ये भी एज ए स्टोर यूज़ होता हो, क्योंकि ये स्टोर की बैक साइड भी है और बैक साइड से इसका एक रास्ता पीछे, ये अब सारा जंगल उग चुका है, इस तरह खुलता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो साइड है ना, कहते हैं कि इस साइड से ये एक कच्ची सड़क है पीछे, ये उसी ज़माने के यहाँ पे खंभे अब भी लगे हुए हैं। इस साइड पे तांगा रेड़ियाँ और घोड़ों पे सवार होकर लोग अपने प्यारों को छोड़ने के लिए इस स्टेशन पे आते थे। आगे चलते हैं, और सबसे जो इसका खस्ता आलिसा एक कैबन है जहाँ से रेलवे ट्रैक को तब्दील किया जाता था, वो आपको विज़िट कराते हैं, उसमें एक तहखाना सा है वो भी आपको दिखाते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। मोस्ट डेंजरस प्लेस ये कैबन है और इसका बेसमेंट, इसमें चलते हैं, लेकिन इसमें जाने का मुझे रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ से कांटों ने रोड ब्लॉक किया हुआ है, और रोड ही कहूँगा ना, मैंने तो यहाँ से गुजरना, मेरे लिए तो रोड ही है, वैसे रास्ते बंद हुए हैं। अच्छा, ये भी एक छोटा सा स्टोर टाइप है, और ये वाशरूम नहीं हो सकता क्योंकि वाशरूम में इस तरह विंडोज़ नहीं रखी जाती। और इस साइड से जो रास्ता है वो भी सारा बंद हो चुका है, पीछे लोगों ने अपनी फसलें खेतों में काश की हुई हैं, इस तरफ अब कोई भी नहीं आता, और ये टोटली अबैंडन पड़ा हुआ है, डिजर्टेड है। और एक ये रास्ता इसके कैबन में जाता है, इससे चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना, इसमें सांप बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है वो कैमरे के ऊपर होता है, और खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई मसला हो जाए सांप वगैरह का, तो वो फिर यहाँ पे हमें कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी नहीं मिलनी। ऊपर चलते हैं, पहले ऊपर चलते हैं, फिर इसके बेसमेंट में चलते हैं जहाँ से लाइनों को चेंज करने वाले कांटे नसब थे, और जो ऑपरेटर था रेलवे का वो ऊपर बैठता था। अब इसका आप सराउंडिंग का भी व्यू देखें, ये भी देखें, और सारा जंगल। ये साथ जो है ना, ये रोड गुजर रहा है और इस पे आमदोरफ्त तो हर वक्त रहती है, लेकिन इस तरफ को नहीं आता। ओह माय गॉड, मैं आगे चलते चलते नीचे गिरने लगा था, मैंने समझा यहाँ पे फ़र्श है, लेकिन यहाँ पे फ़र्श नहीं है, यहाँ पे लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे इन लोहे के गार्डर्स के ऊपर, और उनके ऊपर हैंडल लगे थे, उन हैंडल के ज़रिए इन रेलवे ट्रैक के कांटों को चेंज करके रेलवे यानी रेल इंजन को दूसरी लाइन पे चढ़ाया जाता था। बड़ी ही मजबूत पायदार ये लकड़ी, हाय नीचे चलते हैं और नीचे से चल के इसको देखते हैं। और अब ये सारी इसकी सीढ़ियाँ भी टूट चुकी हैं, और मुझे डर लगता है इसी से कि कहीं मैं इनसे गिर ही नहीं जाऊँ। बड़ा ये मशहूर रेलवे स्टेशन है, और सोशल मीडिया पे तो लोगों ने इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये असेबदद है। अब है या नहीं ये तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इन चीज़ों के निकलने का भी एक मखसूस वक्त होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये भी लोहे का ही गार्डर, और यहाँ से कांटे लगे हुए थे, ये आप देखें, ये गार्डर के नीचे रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा लोहे का, यहाँ से पूरी की पूरी लेंथ होती थी एंगल की, जिससे कांटे को तब्दील किया जाता था। और ये लोहा देखें आप कितना वजनी, अल्लाह की पनाह। और ये आप इसकी छत देखें, वही डॉट स्टाइल जैसे ब्रिटिश दौर में होता था,
लेकिन अंदर मुझे जो छत है ना वो डिफरेंट नज़र आई है। इसकी आप देखें, ये ब्रिटिश दौर में डॉट स्टाइल जो छत होती थी ये बिल्कुल वही है। और ये जो लोहे के गार्डर हैं, और ये भी आजकल के ज़माने में तो देखने को नहीं मिलते। ये देखें जी, ये थोड़ा सा ज़मीन से नीचे है, ज़मीन के लेवल से। और यहाँ पे देखें, ये रास्ता है जी गुज़रने का, जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ। सारा ये जंगल बन चुका है और इस तरफ अब कोई भी नहीं आता। पहले मैं इस रास्ते से हूँ, अब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और आपको प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। सारे कांटे बिखरे पड़े हैं और बड़ा मुश्किल है यहाँ पे चलना भी, और ख़ासकर भीड़ मक्खियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा है आजकल के इस मौसम में, और वो काट लें तो बड़ा सुकून भी आ जाता है बंदे को, पर सारे रिस्क लेने पड़ते हैं। ये इसका बैक साइड का व्यू आप देखें, और ये वो रास्ता है जिसका मैं पहले ज़िक्र कर रहा था कि इस रास्ते से तांगे, रेड़ियाँ और लोग घोड़ों पे, ऊँटों पे अपने प्यारों को इस स्टेशन पे छोड़ने आते थे या फिर उनको रिसीव करने आते थे। ये देखिए कितना पुरसरार मंजर आप भी पेश कर रहा है, और ये आगे भी एक मुझे टूटे फूटे इसके खंडरात नज़र आ रहे हैं, इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और गुज़रने का रास्ता भी बहुत ही कम है इस साइड पे, सारे खेत हैं, लोगों की ज़मीनें हैं, लोगों ने फसलें काश की हुई हैं, और ये रास्ता कच्चा आज भी मौजूद है। और रोड पे कछुआ भी निकल आया, ये भी वॉक कर रहा है इस वक्त। चलें करें जी हमें क्या, अच्छा यहाँ से कोई रास्ता मुझे अंदर जाने का नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपको ये रूम दिखा दूँ, फिर भी ट्राई करते हैं। ओह ये थोड़ा सा है, यहाँ से गुजरते हैं। असल में इन सरकंडों से गुजरें तो ये अगर आपके साथ टच भी हो जाए तो आप यकीन नहीं कर सकते कि कितनी बॉडी में खारिश शुरू हो जाती है, और ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। मैं वीडियोस बनाने निकलता हूँ तो इस तरह के चांसेस मेरे साथ होते हैं। ये आप देखें जी, ये रूम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बड़ा मुश्किल मैं कांटों को क्रॉस करते हुए इसके अंदर आ चुका हूँ। अच्छा, इसकी ईंटें बड़ी वजनी हैं, और ये आप देखें जी इसकी आवाज़ कितनी ये मज़बूत और पुख्ता ईंटें हैं। छत गिर गई, दरवाजे खिड़कियाँ लोगों ने चोरी कर लिए, क्योंकि जिसका कोई वाली बारिश ना हो वहाँ पे चोर लाजमी आकर अपना फन दिखाते हैं। ये देखें जी, आइए चलते हैं जी प्लेटफॉर्म की तरफ। किसी ज़माने में यहाँ पर बड़ी चहल पहल हुआ करती थी, लोग तांगा, रेड़ी और रेल के सफ़र को तरजीह देते थे, और लोग रेल के सफ़र को बड़े शौक से करते थे, इसको एंजॉय करते थे, बल्कि उस ज़माने में रेल के सफ़र को शाही सफ़र भी कहा जाता था। पाकिस्तान में रेलवे की तबाही के बाद बहुत सारे रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए, जिनमें से विल्सनपुरा रेलवे स्टेशन भी एक है। अगर आप भी इस तारीखी रेलवे स्टेशन का विज़िट करना चाहते हैं तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट सरगोधा की तहसील बलवाल से 6 किलोमीटर के फासले पर विल्सनपुरा में वाकई है, और इस विल्सनपुरा का अब नया नाम इस्लामपुरा है। और अगर आप लाहौर की तरफ से आ रहे हैं या इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप मोटरवे M2 पे सफ़र करेंगे और आप एग्जिट करेंगे सालम इंटरचेंज से 14 किलोमीटर के फासले पर ये रेलवे स्टेशन वाकई है, जबकि सरगोधा से ये 38 किलोमीटर के फासले पर है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और ईजीली इसको विजिट कर सकते हैं। ये इस कैबन का फ्रंट भी आप देखें, और विल्सनपुर ये देखें जी, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में, और ये 3 विंडोज़ नज़र आ रही हैं। और ये देखें जहाँ से कांटे तब्दील किए जाते थे, यानी रेलवे की पटरी को चेंज किया जाता था, और ये इस चीज़ का सबूत है कि पहले यहाँ पे 1 से ज़ायद रेलवे ट्रैक थे, जिनमें से अब सिर्फ एक ही बाकी है। ये आप देखें, ये रेलवे ट्रैक आप देखें सामने कैबन, और
यहाँ पे रेलवे माइल को मापकर नोट किया गया। और ये देखें, यहाँ से चूने के ज़रिए कुछ खाने बनाए गए हैं। और नीचे ये जो पत्थर बिछाया गया है, इसको रेलवे साइज बजर साफ कहते हैं। और ये जो पटरियों के बीच गैप होता है, ये जो स्लीपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये अच्छा इनको पंजाबी में गुटके कहते हैं, लेकिन ये इनको रेलवे की लैंग्वेज में स्लीपर कहते हैं। इनको कंक्रीट से बनाया जाता है। पहले ये लकड़ी के होते थे जो रंगून और बर्मा से लाए जाते थे क्या हुए पाकिस्तान से पहले, लेकिन उसके बाद से ये कंक्रीट के बनते हैं। अब इस रेलवे लाइन से 3 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें से 11 अप 12 डाउन यानी हजारा एक्सप्रेस, 17 अप 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, और 135 अप 136 डाउन यानी चिनाब एक्सप्रेस यहां से गुजरती है। 3 ट्रेनें जो है ना, वो हजारा एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, चिनाब एक्सप्रेस यहां से गुजरती हैं। और आगे भी इसी तरह के माइलस्टोन दर्ज हैं। ये देखें, शाम हो चुकी है इस साइड से मैं आया था, और सूरज है कि ग्रुप होता जा रहा है। अब यहाँ पर ना तो मुसाफिर हजरात आते हैं और ना ही ट्रेनें यहाँ आकर रुकती हैं। कभी कभार फोटो सेशन के शौकीन हजरात इस साइड पर रुक करते हैं और इस बिलसनपुर के वीरान रेलवे स्टेशन पे आके फोटोग्राफी करके लुत्फानंदोज होते हैं। अगर बात की जाए इसके रेलवे ट्रैक की, तो ये बहुत अच्छी हालत में है और ऑपरेशनल है। अब भी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं और इसको कुछ लोगों ने आसेब ज़्यादा कहकर मशहूर कर दिया कि यहाँ पे जिनायत के बसेरे, हकीकत क्या है खुदा बेहतर जाने, मगर सवारियों की कमी का बहाना करके इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड पे फुलवाल है और फुलवाल यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पे है, जबकि मेरी राइट साइड पे पुनरवान रेलवे स्टेशन है और वो यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पे वाकई है। और इसको बंद करवाने में ज़्यादा जो किरदार अदा किया वो मकामी बा असर ट्रांसपोर्टर हजरात ने किया है। उन्होंने अपने जाती मफाद की खातर इस कौमी विरसे को तबाह कर डाला। और आखिर में मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इस रेलवे स्टेशन की बहाली पे तवज्जो दे या फिर इसको एक रेलवे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की एक काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।